से बताते हैं हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, जहां विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, जल्द ही कांग्रेस में ये दोनों जो है वो शामिल हो सकते हैं और विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ सकती है, ये जानकारी सामने आई है। बजरंग पुनिया हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है वो सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जल्द ही हरियाणा कांग्रेस का दामन जो है वो थाम सकती हैं विनेश फोगाट और उनके साथ ही साथ बजरंग पुनिया भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। लगभग ये कन्फर्म माना जा रहा है कि दोनों पहलवानों में से विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी विधानसभा का। तो वहीं बजरंग पुनिया पार्टी के लिए अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बीते साल किसानों के आंदोलन के समय भी हमने देखा कि तमाम जो पहलवान मुखर नजर आए और उसके बाद जिस तरीके के ये तमाम मामले सामने आ रहे थे, जिसमें जब पहलवान प्रदर्शन पर बैठे थे तब से ही कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन था इनके प्रदर्शन को और कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही जो है वो कांग्रेस में औपचारिक रूप से सभी शामिल हो सकते हैं। और जो अपडेट अब सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस का दामन जल्द ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो है वो थाम सकते हैं। विनोद लांबा एडिटर इन खबर हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कब तक ये जो औपचारिक सदस्यता है ये दोनों पहलवान ले सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम आप विधायक हैं, उनको कांग्रेस में आज शामिल होना है और मल्लिकार्जुन खड़के के साथ मुलाकात होनी है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की। तो 11:30 बजे का जो मैसेज है उस पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया नजर आए, इस पर थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस में जाना है और कांग्रेस ने एक टिकट पर सहमति जता दी है, इसको लेकर संशय नहीं है। संशय सिर्फ इस बात को लेकर है कि क्या आज ज्वाइनिंग होगी या कल ज्वाइनिंग होगी। आज मुलाकात की खबर भी आ रही है और ये आपने बिल्कुल कहा सही, सोर्सेस के मुताबिक कि जो टिकट है वो सिर्फ विनेश फोगाट को मिलेगी और बजरंग पुनिया को स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे किसान आंदोलन की बात नहीं है, पहलवानों के खिलाफ जिस तरह का जो मामला था और उस समय जो पूरी बातचीत चली और जिस तरह से धरने प्रदर्शन वगैरह हुए जंतर मंतर पे, एक विनेश फोगाट चेहरा बनके उभरी और विनेश फोगाट के साथ ही बजरंग पुनिया, तो उस मुद्दे को कांग्रेस ने भुनाया भी। और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची थी उस आंदोलन में और पहलवानों के उस प्रोटेस्ट में शरीक हुई थी। और विनेश फोगाट के साथ सिंपथी कौन सी सबसे बड़ी है कि वो गोल्ड मेडल से चूक गई और उनकी जो फाइट में 300 ग्राम का जो वेट था, तो कहीं ना कहीं हरियाणा हो, पंजाब हो और आसपास के इलाकों में सहानुभूति विनेश फोगाट के साथ है। ऐसे में जो मेरे कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र हैं वो साफ तौर पर इंडिकेट कर रहे हैं कि क्लियर कट चांसेस अगर किसी को टिकट देने के हैं तो विनेश फोगाट को हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को दोनों। क्या बजरंग पुनिया का टिकट इसीलिए कट रहा है क्योंकि जिस सीट से वो टिकट मांग रहे थे वहां से कांग्रेस के सिटिंग विधायक ने पार्टी आलाकमान को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर यहां से बजरंग पुनिया को टिकट मिलेगा तो बगावती तेवर उनके देखने को मिल सकते हैं, वो निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं? देखिए, विधायक की बात इसमें बहुत बाद में आएगी, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि 35,000 का जो मार्जिन था तो वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि दोनों को उतार के, और मैं विनेश फोगाट की सिंपथी की पूरी कहानी बता रहा था, सिंपथी इस लिहाज से भी उनके साथ है, तमाम तरह के एंगल चले कि क्या रेसलिंग फेडरेशन से, भारत रेसलिंग फेडरेशन से जो लड़ाई चली उसके बाद कोई सरकार के एंटी प्रोटेस्ट किए, क्या उसके खिलाफ कोई साजिश हो गई है, तो विनेश को लेने के मूड में निश्चित तौर पर कांग्रेस है, टिकट देने के मूड में है। अब वो जुलाना से हो या दादरी से हो ये देखने वाली बात है। दो विधानसभा भी मैं बता दूं, और जो झज्जर बेल्ट में जो बादली एरिया की बात है जिसमें बजरंग पुनिया की बात है, तो निश्चित तौर पर वहां मौजूदा विधायक तो हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस खुद भी दोनों पहलवानों को साथ साथ टिकट देने से बेहतर एक को स्टार प्रचारक के तौर पर और विनेश फोगाट को एक कैंडिडेट के तौर पर उतारना चाहती है। महत्वपूर्ण ये है कि अब दोनों पहलवानों की तरफ से क्या बातचीत होगी और उनकी मीटिंग की शुरुआत भी कहां से होती है, ये
मिलके आए हैं सीधा राहुल गांधी से, जब राहुल गांधी से मिलकर आए हैं तो उसके बाद कोई विधायक को विरोध करेगा वो बहुत ज्यादा मैटर कर नहीं जाएगा। और जो जानकारी अब सोर्सेज से मिल रही है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है, मेरा खुद का जो मानना है और जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बात ये है कि विधानसभा को लेकर एक या दो टिकट को लेकर ये पेच ऐसे हैं जो जिसको लेकर पहलवान जगह जगह मिल रहे हैं कि एक सिर्फ राहुल गांधी से नहीं मिले, ये किसी वेणुगोपाल से भी मिले, और किसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद अब जो सोर्सेस कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे, तो एक से ज्यादा की डिमांड निश्चित तौर पर पहलवानों की तरफ से होगी टिकट की, और इसी वजह से ये पेच फंसा हुआ है। 11:30 वाली जो ज्वाइनिंग का एक मैसेज है, ऑफिशियल मैसेज है कांग्रेस ऑफिस से, उसमें महत्वपूर्ण है कि ये ज्वाइन करते हैं या राजेंद्र पाल जो जिक्र आ रहा है सोर्सेज से आम आदमी पार्टी के, सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन ज्वाइनिंग इनकी होनी तय है। अब ये तय होना बाकी है कि एक सीट मांग रहे हैं या दो मांग रहे हैं और सदस्यता कब लेंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर है सदस्यता के तौर पर सीधी टिकट तो मिलेगी लेकिन दो टिकट देने के मूड में कांग्रेस लीडरशिप है नहीं इन पहलवानों को। दो टिकट देने के मूड में है नहीं, और विनोद जिस तरीके से अभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है, आखिर बात कहां अटक रही है? बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी 67 उम्मीदवारों की, अभी तक कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं लिस्ट सामने आ रही, ये भी मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, सब कमेटी में लिस्ट फंसी हुई है, और जो जानकारी हमारे सोर्सेज थी और टॉप सोर्सेज जो मीटिंग में मौजूद थे, हमसे दावा किया गया था, हम जर्नलिस्ट जो पूरी खबर पर नजर बना के रखते हैं, कि 59 सीट पर सहमति बन गई है। हालांकि दीपक बावरिया ऑन कैमरे पर तो इससे ज्यादा की सहमति बताते हुए 59 के आसपास 31 सीट के 24 सीट का पेच फंसा हुआ बताया गया। सब कमेटी जो बनाई गई थी उसकी मीटिंगें चल रही हैं, और उस मीटिंगों में जो कि दूसरा धड़ा है, खासतौर से चाहे आप कुमारी शैलजा की बात कर लीजिए, रणदीप सुरजेवाला की बात कर लीजिए, कैप्टन अजय सिंह यादव की बात कर लीजिए, जयप्रकाश जेपी मिले और इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी मिले इन लोगों ने, और जब इनसे मीटिंग के बाद जब पूछा गया सोर्सेज से ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, तो ये कहते हुए नजर आए कि हमको तो सब कमेटी ने ये बोला है कि अभी टिकटें फाइनल नहीं है और आप 90 की 90 विधानसभाओं में चाहे बोल के या लिख कर अपनी राय दे सकते हैं। कल जो सब कमेटी की बैठक के बाद बयान आया है वो बता दूं कि आज शाम तक बैठक होने की उम्मीद है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव स्तर की मीटिंग की, और उसके बाद कल यानी कि जो सैटरडे आएगा 7 सितंबर से पहले कांग्रेस की टिकट आती नजर नहीं आ रही है। पेच हमेशा फंसता है, पिछली बार भी अगर आपको याद हो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कुछ नाम तो तय हो गए थे लेकिन एक सब कमेटी वहां भी बनानी पड़ी थी। तो कांग्रेस के साथ यही है कि इस बार भी केंद्रीय चुनाव समिति के बाद एक और सब कमेटी बनाई गई है, और सब कमेटी उन सब लोगों को सुनेगी जो केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की थी उसमें मौजूद नहीं थे, जो अपनी राय दे नहीं पाए हैं। ये मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि आज 6 तारीख तक तो टिकट आने की संभावना नहीं है, 7 के बाद कोई रास्ता निकल जाए तो निकल जाए। क्या पेच वहां भी फंस रहा है कि कई जो है सांसद वो टिकट की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा मन हरियाणा की सेवा करने का है, इसको लेकर भी पशुपेश है, और ये सब कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर की अब बात हो गई है, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जो है जब तक क्लियरेंस नहीं देंगे उनको टिकट मिलना मुश्किल है। ठीक कहा आपने, और सांसद चाहते हैं लड़ना, बिल्कुल ठीक आपने खबर दी, और खबर उसमें यही है कि, और मैं नाम के साथ बता दूं, कुमारी शैलजा अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला भी राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान कोटे से कांग्रेस के, लेकिन वो भी कैथल जो उनकी परंपरागत सीट रही है उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने बेटे को दिलाएंगे या खुद लड़ना चाहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर बारी ऐसी आएगी तो इसमें दीपेंद्र हुड्डा भी हैं और जयप्रकाश जेपी जो हिसार के सांसद हैं वो भी टिकट से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 5 लोकसभा सीट जीतने वाली हरियाणा में कांग्रेस कैसे अपने सांसदों को फ्री करके विधानसभा की तरफ रुख कराएगी, ये महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है, और आपने ये भी बखूबी बयां किया कि किस तरह से इसका फैसला तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लेवल पर ही होना है। अभी सब लोगों ने लिपलॉक कर लिया है और कोई ये नहीं बता रहा है, कल भी शैलजा से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी इच्छा जता चुकी हूं, बार बार इस मुद्दे पर बयान नहीं दूंगी, आला कमान जो चाहेगा वो मैं करूंगी और उससे पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा विनोद, एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, पार्टी की स्थानीय इकाई तो इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार जो है क्या नजर नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि जीत इस बार तय है और सत्ता क्यों किसी के साथ शेयर की जाए। लेकिन पार्टी का आलाकमान और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ही इस बात की शुरुआत की कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार किया जाए, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको?
देखिए, 9 सीट की डिमांड है, एक लोकसभा मिली थी लोकसभा चुनाव में, और सोर्सेज जो कल रात तक का डेवलपमेंट है वो यही कहता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई हमने आपने हमको एक सीट दी थी तो एक सीट के हिसाब से 9 विधानसभा होती है, जो कि कुरुक्षेत्र की सीट दी थी, आप हमें 9 सीट दीजिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो आपने ठीक कहा ये आलाकमान की तरफ से है, और जो प्रदेश की यूनिट है हरियाणा कांग्रेस कमेटी है और उसके जो सदस्य हैं और जो मेंबर्स हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम सक्षम है तो किसी को अलायंस में लेकर अपनी सीटें क्यों दी जाए। तो 3 से 4 सीट को लेकर ये फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिन सीटों पर आपकी बढ़त थी, और अगर देखें ना आप कुरुक्षेत्र की लोकसभा में भी 3 से 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता को बढ़त मिली थी और भाजपा की वहां जीत होती है। ऐसे में ये समझाने की कोशिश है कि हम बहुत ज्यादा सीट खराब करने में या फिर देने का रिस्क नहीं लेना चाहते, हम कैपेबल हैं और हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 9 वो लोग मांग रहे हैं, 3 से 4 देने के लिए कांग्रेस तैयार है। 3 से 4 का ऑफर है अभी कांग्रेस की तरफ से, जो मेरे सोर्सेज ने कहा है। अच्छा, और विनोद एक और चीज जो नजर आ रही है, चूंकि लिस्ट अभी तक कांग्रेस जारी नहीं कर पाई